नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान चैनल को। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देश का मूड। फिलहाल देश का मूड क्या है, आप सभी जानते हैं कि तीन राज्यों में बीजेपी शिकस्त खाई है और हम ये कह सकते हैं कि पांच राज्यों में बीजेपी ने शिकस्त खाई है, कहीं कि कहीं से भी उसे जो विजय प्राप्त नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए, इसी स्थिति में जो स्थिति बनी हुई है, तो देश किसे चुनेगा? पहला प्रश्न। हमने सर्वे किया, हम कई एजेंसियों के रिपोर्ट देखे, सी वोटर के रिपोर्ट देखे, और भी कई एजेंसियां हैं, उनको स्टडी करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपको कुछ ज्यादा बुरा लग जाए। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, उनके सामने टक्कर का प्रधानमंत्री नजर नहीं आ रहा है। परंतु चौंकाने वाली बात यह आई कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा का गठबंधन हो और कांग्रेस पूरे दिल से अगर समर्थन दे दे तो बीजेपी जीरो पे आउट हो जाती है, एक भी सीट नहीं मिलेगा उन्हें। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह बहन मायावती जी को अगर अकेले लड़ेंगे तो एक एक सीट हासिल होगा, लेकिन अगर गठबंधन बनाकर लड़ते हैं तो दो दो तीन तीन सीटें आ जाएगी और महागठबंधन फायदे में रहेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बगावत हो गई है मंत्रिमंडल के विस्तार के वजह से, और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो बागी लोग हैं वह इसका जवाब देंगे। हमने ये भी पता किया प्रधानमंत्री के चेहरे और हमने पूरी इंक्वायरी किया, 54% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, जबकि 34% राहुल गांधी जी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपको चौंकने वाली बात तब आएगी जब सामने बहन मायावती जी का फोटो रखा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि 44%, यानी राहुल गांधी जी से बहन मायावती जी आगे हैं। यह कोई किसी पार्टी के लिए हम नहीं बता रहे हैं, यही सर्वे आ रहा है। इन सर्वे के आधार पर कहीं कहीं सुगबुगाहट तो यह भी हो रही है कि कांग्रेस आने वाले समय में बहन मायावती को पीएम प्रोजेक्ट कर देगी, ताकि बीजेपी को जो हटाना है। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं अगले वीडियो में महागठबंधन, फेडरल फ्रंट और एनडीए, और तीनों के बारे में बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल से, और आपके सामने सच्ची खबरें और अच्छी खबरें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।